तो चलिए दोस्तों, आज है 20 अप्रैल और हम आपको बताएंगे देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा था कि 20 अप्रैल के बाद कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन में ढील दी जाएगी और कामकाज शुरू किया जाएगा। तो हम आपको एक एक करके इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा काम शुरू हुआ है, आज कौन कौन सी छूट मिलेगी और क्या क्या काम चालू होंगे। साथ ही दूसरी खबर में कोरोना बुलेटिन के बारे में बताएंगे और उससे अगली खबर में तीन ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको अभी भी छूट नहीं दी जाएगी। वो कौन से हैं, शायद आप तो नहीं उन राज्यों से आते हैं, ये जान लीजिए, वरना अगर आप कहीं बाहर निकल गए ढील के चक्कर में तो आपको पनिशमेंट झेलनी पड़ सकती है। तो चलिए हम आपको एक एक करके बताएंगे कौन कौन से राज्य, लेकिन पहले हम आपको बता देते हैं कौन कौन सी चीजों पर अभी तक छूट दी गई है। सबसे पहले सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को विषम ऑड संख्या के वाहन चलेंगे, वहीं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सम यानी इवन के ऑड इवन, जो दिल्ली का फॉर्मूला है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लागू किया गया है, ठीक है। 50 से 60 किलोमीटर तक दूरी की बसें चलेंगी, 3 सीट में 2 यात्री बैठेंगे, ऐसी भी खबर आ रही है। नई की दुकानें शनिवार और रविवार को खोली जाएंगी, होटल रेस्टोरेंट शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे, शाम 8 बजे तक होम डिलीवरी भी इसकी जारी रहेगी, ऐसी खबर आ रही है। खाद्य पदार्थ फैक्ट्री, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन केंद्र भी खुले रहेंगे। सरकारी संस्थानों में जो है 33% और निकायों में 35% कर्मचारी काम करेंगे। अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कौन से राज्य में कितनी ढील दी गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र को लॉकडाउन को जो है 3 भागों में बांटा गया है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन। रेड जोन में तो पूरी तरह से काम बंद रहेगा और ऑरेंज और ग्रीन जोन में जो है काम शुरू रहेगा। तो इसमें कामगारों को आवास मुहैया कराएंगे, उद्योग लंबी दूरी की इजाजत हालांकि नहीं मिलेगी। ये महाराष्ट्र की जो है लॉकडाउन की जो छूट है उसको लेकर के जानकारी हम दे रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर उद्योग को अनाज की आपूर्ति होगी, उद्योगों को अनाज की आपूर्ति होगी और कच्चा तेल भी मिलेगा, ऐसी खबर आ रही है। उद्योगों को उत्पाद और प्रसंस्करण की गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, होटल रेस्टोरेंट नई की दुकानें और छोटे मोटे कारोबार के लिए छूट दी जाएगी, ये तो हर जगह अप्लाई किया ही गया है, ये महाराष्ट्र के लिए है। अब हम बढ़ते हैं आगे, राजस्थान के बारे में आपको बताते हैं। राजस्थान में सभी तरह के सामानों की आवाजाही को छूट रहेगी। वहीं प्लम्बर, मोची, कारपेंटर, लॉटरी मैकेनिक काम कर सकेंगे, ठीक है। वही किराना, फल, सब्जी, दूध आदि की दुकानें भी यानी कि राजस्थान में खुली रहेंगी। और किसानों के लिए तो आप सभी जानते हैं कि छूट दी ही गई है, तो ये महाराष्ट्र की जो है छूट देने की बात कही। अब कर्नाटक की बात कर लेते हैं। देखिए, कर्नाटक में पास लेने होंगे, कार बाइक चलाने के लिए 21 अप्रैल से पास लेने होंगे। हॉटस्पॉट छोड़कर पूरे राज्य में हर तरह का निर्माण चालू किया जाएगा, ये कर्नाटका के लिए ऐलान किया गया है, यानी कि हॉट स्पॉट को छोड़ करके। और ये सभी जगहों के लिए है, जितने भी स्टेट मैंने बताए कि हॉट स्पॉट्स को छोड़ करके जहां यानी ऑरेंज और ग्रीन जोन है वहां पर ही ये काम चालू हो पाएंगे। अब तेलंगाना की बात कर देते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने राज्य को 7 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया, यानी कि राज्य में 7 अप्रैल तक लॉकडाउन, 7 मई तक जो है लॉकडाउन रहेगा, ये आप निश्चित ले लीजिए। तो तेलंगाना में किसी तरह की छूट आपको मिलने वाली नहीं है। आगे हम आपको बताते हैं तीन वो कौन से राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन में छूट नहीं दी गई है। उससे पहले हम आपको कोरोना बुलेटिन के बारे में बता देते हैं। कोरोना बुलेटिन की अगर ताजा अपडेट की बात करें तो दोस्तों, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। जो संख्या कल तक 16,116 थी वो बढ़ करके 17,304 पहुंच गई है। साथ ही साथ अगर बात करें सक्रिय केसेस की यानी कि एक्टिव केसेस की, तो ये संख्या 13,891 है, यानी कि 13,891 संख्या हो गई है। साथ ही साथ अगर बात करें ठीक होने रिकवर्ड लोगों की, तो ये भी संख्या 2,854 यानी कि 2,854 पहुंच गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कैजुअल्टीज की, तो 559 कैजुअल्टी यानी कि 559 लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं कोरोना के चलते,
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं वो कौन से तीन राज्य हैं जहां पर आपको पूरी तरह से छूट नहीं मिलेगी, यानी कि जिस तरह से ये छूट देने की बात कही गई इसके बावजूद भी। तेलंगाना पहला वो राज्य है। तेलंगाना में जैसा मैंने पहले ही बता दिया है कि 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, वहां पर किसी तरह की कोई चीज पर छूट नहीं दी गई है। बताया ये जा रहा कि राज्य में 20 अप्रैल से फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो स्विगी को भी कारोबार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राव ने इन बातों को कड़े शब्दों में कहा है, अगर हम पिज्जा बर्गर नहीं खाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। रमजान के दौरान भी किसी भी प्रकार का जमावड़ा नहीं होने दिया जाएगा। ये तेलंगाना के जो है जो रूल्स और प्रोटोकॉल बनाया गया है उसकी बात है। अब पंजाब की बात कर लेते हैं, दूसरा राज्य पंजाब है। पंजाब सरकार ने लॉकडाउन में छूट देने का निर्णय रविवार रात को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में राज्य के उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। राज्य में गेहूं खरीद का कार्य जारी रहेगा। इससे पहले पंजाब ने राज्य में कृषि के अलावा अन्य कार्य और ढाबे खोलने जैसी कई छूट सोमवार से लागू करने की बात कही थी, लेकिन अब खबर आ रही कि उन्होंने शाम को ही रात को रविवार को यह फैसला अपना वापस ले लिया है। इसमें स्कूल कॉलेज की किताबों की दुकानों और ढाबे खोलने का निर्णय भी था जो कि वापस लिया गया। सरकार ने देर रात ये जो है फैसला कर दिया है, यानी कि पंजाब में आपको किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के कुछ उद्योगों को पाबंदियों से ढील देने पर सोमवार को फैसला कर सकती है सरकार, यानी कि आज फैसला कर सकती है। एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया जाएगा। बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। देश में 5 से ज्यादा लोगों की यानी कि पिछले कल की बात है कैजुअल्टी हुई थी, जिसके मद्देनजर ये जो राज्य मैंने आपको बताए हैं यहां पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है। जो छूट अलग राज्यों के लिए दी गई है यहां पर नहीं दी गई है और ना दी जाएगी, ये आप निश्चित मान लीजिए। अब हम आपको बताते हैं बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में मजदूर भाई फंसे हुए हैं जिनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ना तो उनको टाइम पर खाना मिल पा रहा है, ना बेचारों को वो सुविधाएं मिल पा रही है जो उनकी जरूरत है। लेकिन इनको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या सर हम अकेले बस से जा सकते हैं, हम अपने प्राइवेट वाहन से जा सकते हैं, निजी वाहन से जा सकते हैं क्या घर पे? तो भाई आप एक चीज निश्चित मान लीजिए, आप नहीं जा सकते, क्योंकि सरकार के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। और अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। हाँ, अगर 30 से 40 किलोमीटर की दूरी में आपका घर है तब आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु और आपका तेलंगाना और पंजाब में अगर आप रहते हैं तो वहां पर भी जाने की आपको परमिशन नहीं है, ये आप यानी कि निश्चित मान लीजिए। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं ट्रेन बसेस के बारे में। डेली अपडेट देते हैं, फिर अपडेट दे देते हैं कि ट्रेन बसेस और हवाई सेवा अभी शुरू नहीं होने जा रही है। खबर आ रही थी कि 3 मई के बाद जो है हवाई सेवा के लिए टिकट्स वगैरह बुकिंग शुरू हो गई है, लेकिन उसको वापस लिया जा चुका है। सरकार की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि अभी तक हमारा इस पर कोई भी प्लान नहीं है। तो ऐसे में जो खबरें चल रही है वो पूरी तरह से अफवाह हैं। आपको जहां पर आप हैं वहां पर ही रहिए, आप किसी तरह की एक्टिविटी ना करें, किसी तरह का आवाजाही ना करें, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकेगी। हाँ, छोटे मोटे धंधों को लेकर के जो छूट देने की बात कही गई है वो छूट दी गई है, अगर आप उनमें से हैं तो आपको जरूर छूट मिलेगी। ठीक है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, आप मैकेनिक हैं आप, तो आपको छूट मिलेगी। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपका भी कोई सवाल है, कोई राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आप कहीं पर फंसे हुए हैं, किसी भी तरह की आपको तकलीफ है, तो सिर्फ 1 मिनट का वीडियो भेज करके ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करिए। नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको फ्लैश हो रहा है, प्लीज कॉल वगैरह मत करिए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वरना आपकी कॉल जो है नहीं रिसीव की जाएगी, साथ ही साथ आपको ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग बेमतलब कॉल्स वगैरह कर रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें। अब आगे हम आपको दिखाते हैं कुछ मजदूर भाइयों के वीडियो, देखिए। हेलो सर, हम लोग कटिहार जिले के, बिहार के कटिहार जिले के हैं। यहाँ हम लोग आजमगढ़ आए हैं। आजमगढ़ में हम लोगों को 4 दिन हुआ था आए हुए, और हम लोग इसी दौरान लॉकडाउन हुआ और इसी में फंस गए हैं। कुल 4 दिन हम लोग काम किए, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, ठेकेदार पैसा नहीं देता है, और यहाँ पर सरकारी कोई भी सरकारी योजना हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। और हम लोगों को जो हम लोग यहाँ पर जिस गांव में रह रहे हैं वही गांव वाले कुछ दे जाता है तो खाते हैं, नहीं तो हम लोग भूखे सोते हैं, और इसी से किसी तरह हम लोग गुजारा करते हैं, और हम लोग बहुत परेशान हैं।
इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे नीतीश कुमार जी से, हमारा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हम लोगों को यहाँ से किसी तरह निकाला जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हम लोग बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, हम लोग बहुत परेशानी में है, किसी तरह हम लोगों को यहाँ से निकाला जाए। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।